आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की 5 अलग अलग बॉम्ब्स के बारे में जो कि है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो चलिए जानते हैं उन 5 बॉम्ब्स के बारे में आगे। पहला है बैरल बॉम्ब। इसे इजराइल ने 1948 में बनाया था। यह एक अनगाइडेड बॉम्ब है। इसे बनाने के लिए एक धातु के बने बैरल के अंदर उच्च विस्फोटक जैसे छर्रा तेल या फिर रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से इसे गिराया जाता है। ज्यादा आबादी वाले जगह में इसे गिराया जाता है और यह बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस बॉम्ब से बहुत ज्यादा क्षति होने की संभावना रहती है, लेकिन यह बॉम्ब सही नहीं माना जाता है क्योंकि यह अनगाइडेड होता है। दूसरा है स्मोक बॉम्ब। इसे यूनाइटेड किंगडम ने 1848 ईस्वी में बनाया था। यह बॉम्ब फटने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोक पैदा करता है, जिस कारण से लोग भागने लगते हैं। इस बॉम्ब को भारी आबादी में फेंक कर भागा जाता है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री वाले भीड़ को खत्म करने में इस्तेमाल करते हैं और अपने बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है स्टिंक बॉम्ब। इस बॉम्ब को यूनाइटेड स्टेट ने 1943 में बनाया था। स्टिंक का मतलब होता है बदबूदार बॉम्ब। इसे गंध पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह बॉम्ब दंगा नियंत्रण करने में इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे इस बॉम्ब को फेंका जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में बदबू पैदा होती है और लोग भागने लगते हैं। इसमें अमोनिया सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का मिश्रण होता है। चौथा है थर्मोबैरिक वेपन्स और वैक्यूम बॉम्ब। इसे रसिया ने 2007 ईस्वी में बनाया था। यह बहुत ही घातक बॉम्ब है जो कि आसपास की हवाओं से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उच्च तापमान में विस्फोटक में बदल जाता है। इस बॉम्ब को सुरंग, बंकरों या फिर ऐसे जगह पर जहाँ पे वायु दबाव कम होता है, उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसे वैक्यूम बॉम्ब कहा जाता है। पांचवा है बाउंसिंग बॉम्ब। इसे यूनाइटेड किंगडम ने 1942 ईस्वी में बनाया था। यह बॉम्ब पानी के ऊपर तब तक उछलता रहेगा जब तक कि यह अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सके, फिर यह पानी की गहराई में जाकर विस्फोट हो जाता है। पानी के ऊपर उछलने के कारण ही इसका नाम बाउंसिंग बॉम्ब रखा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।